हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द महातिम जुडिशियल फोरम चैनल। मित्र, आज हम लोग जो है एक बहुत ही सम्मानजनक आज टॉपिक टेकअप करने वाले हैं। हमारे कानून में भारतीय महिलाओं के लिए, उनकी संरक्षण के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या कानून हैं, उनके सम्मान के लिए भारतीय कानून क्या क्या व्यवस्था किया है, उसके संबंध में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले मित्र, भारतीय संविधान में महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अत्याचारों या उससे निपटने के लिए भारतीय कानूनों से रूबरू हों, इसमें प्रथमतया मित्र भारतीय संविधान का आर्टिकल 39 जो प्राविधान प्रस्तुत करता है कि स्त्री और पुरुष चाहे जो भी हो, कामकाजी लोग हों, कार्यस्थल पर उनके साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा और उन्हें समान रूप से, पर्याप्त रूप से जो है उनके लिवलीहुड के लिए जीविकोपार्जन के साधन मुहैया कराए जाएंगे। आर्टिकल 42 के माध्यम से मित्र प्राविधान प्रस्तुत किया गया है हमारे संविधान में कि महिलाओं को पर्याप्त साधन प्रदान करने की डायरेक्टिव स्टेट को ये आभार अधिरोपित किया गया है कि प्रत्येक भारतीय महिला को, जो कामकाजी महिला है, उसके कार्यस्थल पर उनको उनके प्रसूति प्राविधान किया गया है कि उनके मैटर्निटी के लिए सुविधा प्रदान किया जाए और उनकी मैटर्निटी के लिए राज्य जो है उनको व्यवस्था करे जहां पर वो कामकाजी महिला काम कर रही हो। प्रोविज़न इस प्रकार है, प्रोविज़न फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटर्निटी रिलीफ, द स्टेट शैल मेक प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड फॉर मैटर्निटी रिलीफ। महिला के लिए ये व्यवस्था हमारा संविधान जो है प्राविधानित करता है। ये राज्य का दायित्व है कि जहाँ भी महिलाएं इस तरह की कामकाजी हैं वहाँ पर उनके लिए ये सब व्यवस्थाएँ प्रॉपर रूप से करें। आर्टिकल 51E एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये अनुच्छेद है संविधान का, यह आर्टिकल है। इसके माध्यम से यह संविधान प्राविधानित करता है कि टू रेनाउंस प्रैक्टिसेस, डेरोगेटरी डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस टू द डिग्निटी ऑफ वोमेन। भारतीय संविधान इस बात का प्राविधान प्रस्तुत करता है कि भारतीय नागरिकों का यह कर्तव्य अधिरोपित है कि भारत की प्रत्येक नारी का सम्मान करना सबका कर्तव्य है। आइए मित्र, भारत के मूल भारतीय संविधान के मूलभूत अधिकार आर्टिकल 14 और 15 की बात करें, जिसमें यह व्यवस्था की गई है कि चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, उसके साथ में कोई भी भेद नहीं किया जाएगा और कोई भी कानून हो सबके लिए बराबर है। इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून की समता, विधियों का समान, विधियों का संरक्षण और कानून के समक्ष सभी लोग समता हैं, सम हैं, बराबर हैं। धर्म, मूल, वंश, जात, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर राज्य कोई भी विभेद नहीं करेगा, इस तरह का प्राविधान है। विधि के समक्ष समता और विधियों के समक्ष संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। मित्र, ये हमारे संविधान की व्यवस्था है। तो उसमें नारी के लिंग से, अर्थात कोई स्त्री है तो ऐसा नहीं है कि उसके खिलाफ कोई दूसरा कानून है, पुरुष के खिलाफ कोई दूसरा कानून है, कोई भी भेद नहीं किया जाएगा। हमारा भारतीय संविधान उनके लिए संकल्पित है। अब मित्र, हम लोग भारतीय अपराध संहिता इंडियन पेनल कोड की बात करेंगे। इंडियन पेनल कोड में सेक्शन 294 है, ऐसे स्त्री के किसी अपराध को संरक्षण प्रदान करता है जिसमें कोई अराजक तत्व जो है उसकी लज्जा और सील भंग करने के लिए छीटाकसी करता है, आउटेज हर मेजेस्टी, या कोई इस तरह का ऑब्सीन सॉन्ग गाता है, वो जो है महिला जो है लज्जित होती है, तो ऐसा है कि उनके खिलाफ दंड का प्राविधान धारा 294 में किया गया है। छीटाकसी करना, उनके खिलाफ टांट बोलना, बोली बोलना, या इस तरह से कोई अश्लील सॉन्ग गाना, तो ये सब जो है अपराध की श्रेणी में रखा गया है भारतीय इंडियन पेनल कोड में। सेक्शन 354 लगाया 354D तक जो प्राविधान है एक महिला के लिए दिए गए हैं। 354
में 5 साल का अपराध कर दिया गया है और 354A लगाया 354D एक हमारे इंडियन पैनल कोड में संशोधन आया है जिसको कि पेनालाइज बनाया गया है, जिसमें 354A सेक्सुअल हरेसमेंट यौन शोषण के लिए कोई हरकत करता है, 354B एसाल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स बल प्रयोग करता है, 354C वायोजम घूरता है, लगातार घूरता है किसी महिला को देख करके, 354D स्टॉकिंग उस महिला का पीछा करता है। तो ऐसी क्रिमिनल इंटेंशन के लिए ऐसी व्यवस्था की गई है कि इनको जो है 2 साल से लेकर के 7 साल तक सजा की व्यवस्था की गई है 354A लगाया 354D में। ऐसे अपराध हैं मित्र, किसी महिला के सम्मान के लिए, उसके लज्जा भंग के लिए, उसकी सील भंग के लिए कोई अराजक तत्व जो है इस तरह का प्रयास करता है तो वो दंडित किया जाएगा। मित्र अब हम लोग चर्चा करेंगे सेक्शन 166A सेक्शन 166B, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट संशोधन किया गया है इंडियन पेनल कोड में। मित्र 166 ये प्राविधान प्रस्तुत करता है, यदि कोई पुलिस अधिकारी, थाने का कोई भी पुलिस अधिकारी के समक्ष कोई ऐसी महिला जाती है जो कि जिस पर कि तेजाब किसी ने फेंका है, पीड़िता है, तेजाब फेंकने का प्रयास किया गया है और वो 354 से 354A लगाया 354D की वो विक्टिम है, पीड़िता है, और अथवा 376A लगाया 376D एलॉन्ग विथ सेक्शन 509 जिसमें महिला को इंसल्ट करने का प्राविधान है, महिला को इंसल्ट, तो इन प्राविधानों से पीड़िता ऐसी पीड़िता हो जो इन प्राविधानों में दिए गए तमाम तरह के अपराधों से कोई पीड़ित महिला है जो किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष जाती है तो उस पुलिस अधिकारी का दायित्व है कि उनकी प्राथमिकी सर्वप्रथम लाज करे और उनको जो है प्रॉपर जो है उनको सुविधा दे। साथ साथ उसका ये भी दायित्व है कि वो तत्काल जो है उसको जो है FIR लाज करने के बाद अगर वो उसको कहीं चोट आई है या कहीं वो तकलीफ में है तो उसको तत्काल जो है फर्स्ट एड और डॉक्टर के यहाँ प्रेषण करने के लिए उसकी व्यवस्था करें। अब इसके बाद मित्र आता है 498A 498A ऐसा एक अमेंडमेंट है हमारे IPC में 498 में 498A अमेंडमेंट किया गया। आखिर अमेंडमेंट की क्यों क्या सूरत आ गई मित्र, सूरत ये आ गई कि हमारे समाज में सप्रेस क्लास की महिलाएं हैं जिन्हें कि कोई इस तरह की उसके रिश्तेदार, उसके हस्बैंड के कोई रिश्तेदार या खुद हस्बैंड या हस्बैंड के परिवार वाले अगर किसी धन के लोभ लालच या डिमांड में जो पूरी नहीं हो रही हो, जिसकी मांग में महिला को तंग करते हैं, क्रूरतापूर्ण बिहेवियर करते हैं, तो ऐसी महिला के संरक्षण के लिए हमारे IPC में 498A की व्यवस्था की गई है मित्र। और इस प्रकार से उस महिला को संरक्षण हमारा जो है कानून, भारतीय कानून देता है। मित्र अब हम आते हैं CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, जिसमें कि महिलाओं के लिए काफ़ी प्राविधान दिए गए हैं मित्र। एक महिला जो है तकलीफ में है, एक महिला अगर उसके साथ रेप किया गया है, बलात्कार किया जा रहा है, बलात्कार की पीड़िता कोई महिला है और पीड़िता का जो कल्पेरिट है, अपराधी है, अरेस्ट कर लिया गया है तो उसके खिलाफ धारा 53A प्राविधान प्रस्तुत करती है कि DNA टेस्टिंग के लिए या और भी किसी जांच के लिए अगर उस अपराधी का इनर गारमेंट, ब्लड, स्टेन, नेल, ये सब चीज़ें अगर कलेक्ट करना है, अपराधी आनाकानी करता है तो हमारा ये कानून कहता है कि आवश्यक बल प्रयोग करके ये सारी चीज़ें उससे ली जा सकती हैं। फिर इसके बाद में तो CRPC में धारा 197 है, धारा 197 संज्ञान के लिए, संज्ञान लेने से पहले किसी भी पब्लिक सर्वेंट का प्रोसिक्यूशन बिना किसी जो है सैंक्शन के नहीं किया जा सकता है। सैंक्शन एसेंशियल है एक पब्लिक सर्वेंट के प्रोसिक्यूशन के लिए, लेकिन अगर वो पब्लिक सर्वेंट या कोई भी व्यक्ति धारा 354 लगाया 354D 376 509 का अगर अपराध किया है तो उसमें प्रोसिक्यूशन सैंक्शन की कोई भी आवश्यकता नहीं है, वो डायरेक्ट पेनालाइज करने के लिए प्रोसिक्यूट किया जाएगा मित्र, और वो महिला के खिलाफ उसको जो है प्रोसिक्यूट किया जाएगा, महिला को रेमेडी मिलेगी।
धारा 357 जो है मित्र, यदि कोई महिला पर 326 तेजाब से अथवा रेप के बाद बुरी तरह उसे घायल कर दिया गया है तो इलाज के लिए तुरंत पुलिस को पुलिस जो है उसकी व्यवस्था करेगी। ये धारा 357 सी में आता है। एविडेंस एक्ट की धारा है मित्र, एविडेंस एक्ट में सेक्शन 53 ए का प्राविधान है कि अगर महिला जो है बतौर प्रोसिक्यूशन विटनेस बॉक्स में आई है और उसकी परीक्षण चल रही है, उस महिला से पूर्व का बुरा चरित्र या इस तरह की कोई बात नहीं लीड की जाएगी जो कि उसको लज्जा से भर दे, या उसके साथ जो है सेक्सुअल एक्सपीरियंस की कोई बात लीड नहीं की जाएगी, इस तरह की कोई भी बात उससे विटनेस बॉक्स में रेज करके जो है विपक्ष पूछ नहीं सकता है। इस प्रकार मित्र जहां भी इस तरह की महिलाएं जो विटनेस बॉक्स में आई हैं उनके लिए कानून प्रोटेक्शन देता है कि उनका पूर्व का बुरा चरित्र जो है कभी भी नहीं रेलिवेंट बनाया जाएगा। धारा 146 जहां पर यह विवादित हो कि वो रेप की महिला है, उसके साथ रेप किया गया है तो यह सवाल कतई नहीं पूछा जाएगा कंसेंट के प्रश्न पर कि पूर्व में उसका सेक्सुअल एक्सपीरियंस क्या रहा है। अगर उस महिला के साथ रेप किया गया है और बात कंसेंट की हो, कंसेंट उसकी थी या नहीं यह विवादास्पद हो, यह कतई सवाल लीड नहीं किया जा सकता है कि उस महिला का पूर्व का सेक्सुअल एक्सपीरियंस रहा है कि नहीं। अब मित्र एविडेंस एक्ट का धारा 114 ए जहाँ के रेप केस में सहमति कंसेंट प्रश्नगत हो और स्त्री कहती है कि बिना उसकी सहमत के सेक्सुअल इंटरकोर्स किया गया है तो कोर्ट यह प्रिज्यूम करेगी कि उसने सहमत नहीं दी है जब तक कि अन्यथा सिद्ध न कर दिया जाए। मित्र ये प्रिजम्पशन है कि अगर महिला कहती है तो तुरंत कानून यह प्रिज्यूम करेगा कि उसके साथ रेप किया गया है। धारा 113 बी में यदि पूर्व में दहेज के लिए किसी महिला को हरास करने का साक्ष्य विद्यमान हो, कोर्ट यह प्रिज्यूम करेगी कि यह जो है डाउरी डेथ है। मित्र यह 304 बी का प्रकरण इसके अंदर आच्छादित होता है। मित्र ये हुआ हमारी व्यवस्था कानून की, जो हमारी समाज की महिलाओं के लिए ये व्यवस्था की गई है और कानून जो है ये महिलाओं को प्रोटेक्शन देता है। आज के समय में महिलाओं का हमारे भारतवर्ष में कई ऐसे कांड हुए जहां पर कि महिलाओं को बहुत ही जिनकी इज्जत तार तार हो गई समाज में, उनको बहुत ही बुरा दिन देखना पड़ा। देखने ऐसी व्यवस्था में हमारी विधायिका ने उनके लिए स्पेशल प्राविधान हमारे संविधान में एज वेल एज ये स्टेच्यूट में या एक्ट्स में ये प्राविधान दिए। पैरेलली मित्र एक डोमेस्टिक वायलेंस का बहुत ही अच्छा एनेक्टमेंट है हमारी विधायिका का जो महिला को संरक्षण प्रदान करता है। उसके घर वाले अगर उसके साथ क्रुएल्टी करते हैं या उसके साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं जो उसके डिग्निटी के खिलाफ है, कोई इस तरह की बात है, तो वो महिला जो है न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत कर सकती है और न्यायालय जो है प्रथम दृष्टया उसको जो है रिलीफ प्रदान करेगा। मित्र आज हम लोगों ने अपने इस संवाद में महिलाओं से संबंधित क्या क्या कानून थे उसके डिस्कस किए और मुझे आशा है मित्र कि यह बहुत ही आपको पसंद आया होगा। और आपसे निवेदन है मित्र कि मेरे महातिम जुडिशियल फोरम चैनल के माध्यम से जो कुछ भी आपकी शंकाएं हैं डायरेक्टली आप 8756664094 पर रिंग करके हमसे समाधान करें। कुछ भी पूछना हो तो पूछें, या कुछ भी आपकी इच्छा हो जो कि आप बेटर जानना चाहते हैं तो हम अगले वाले उसमें संवाद में इसको इंक्लूड करके आपको हम सहायता कर सकते हैं। अब मित्र हमारे चैनल को आप जो है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। साभार सविनय सा निवेदन, थैंक सो मच मित्र। स्टे सेफ, स्टे होम, गेट प्ले टुगेदर बच्चों के साथ, आराम से घर में रहिए। जैसी समय की डिमांड है वैसे हम लोगों को करना नितांत आवश्यक है मित्र। सो नय सफू, थैंक सो मच।